नमस्ते, मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। मार्टिन स्कॉर्सेसी नाम ही काफी है, हम सब जानते हैं वे हॉलीवुड के बेहतरीन फिल्म मेकर्स में से एक है। शटर आइलैंड, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, द आयरिशमैन, गुड फेलोज, टैक्सी ड्राइवर जैसी बेहतरीन अनेकों बढ़िया मूवीज उन्होंने दुनिया को दी है। न केवल मार्टिन एक उम्दा डायरेक्टर है पर सिनेमा को लेकर उनका ज्ञान भी सतही नहीं है। शायद इसी वजह से उनकी अपने क्राफ्ट पर इतनी अच्छी पकड़ है, लेकिन उनका सिनेमा प्रेम सिर्फ फिल्म मेकिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छी फिल्में संजोना भी पसंद है। स्कॉर्सेजी एक संस्था चलाते हैं, द फिल्म फाउंडेशन। इसके जरिए वो अपनी फिल्म रिलेटेड नॉलेज को आगे बढ़ाकर लोगों तक पहुंचाते हैं। केवल यही नहीं, अपने ज्ञान और द फिल्म फाउंडेशन के जरिए स्कॉर्सेजी दुनिया भर में बनी बेहतरीन मूवीज को संजोने और सहजने का काम भी करते हैं। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक और पहल की है, नई रिस्टोर्ड फिल्म्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की। फिल्मों को रिस्टोर करने का मतलब होता है खराब हो रही रील्स को, इंस्टाग्राम वाली रील्स नहीं, फिल्म की रील्स को वापस देखने लायक बनाना। कैसे करते हैं ये शॉर्ट में आपको वो भी समझा देते हैं। एक बड़े बजट की मूवी को रिस्टोर करने के लिए फिल्म को वेट गेट स्कैनर नाम की एक मशीन से निकाला जाता है। इस मशीन के जरिए रील को एक केमिकल में डाला जाता है जो उस पर पड़े स्क्रैच आदि को भर उसे ठीक कर देती है। स्कॉर्सेजी और फाउंडेशन कैसे करेंगे ये काम, आइए जानते हैं। डेडलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई से वो एक नया फ्री वर्चुअल स्क्रीनिंग रूम लॉन्च करेंगे, जिसमें 24 घंटों में एक नई रिस्टोर्ड फिल्म फीचर होगी। इस प्लेटफॉर्म पर महीने में हर दूसरे सोमवार फिल्म्स लॉन्च होती रहेंगी। इनमें पहली होगी माइकल पॉवल और एमरिक प्रेसबर्गर की 1945 की क्लासिक आई नो वेयर आई एम गोइंग। इसके अलावा कुछ और मूवीज होंगी जिन्हें स्कॉर्सेसी और केंट जोन्स क्यूरेट करेंगे। मार्लन ब्रांडो के फैंस को निराश नहीं होना पड़ेगा क्योंकि वन आइड जैक्स भी इस लिस्ट में शामिल है। 9 मई को फिल्म मेकर्स और आर्किविस्ट मार्टिन स्कॉर्सेसी के साथ आई नो वेयर आई एम गोइंग पर चर्चा भी करेंगे। स्कॉर्सेसी ने इस विषय पर कहा, हम इन मूवीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उत्सुक हैं। इनमें ऐसी बहुत सी रेस्टोरेशंस हैं जिन्हें बहुत कम लोगों ने देखा है। मेरे साथ अन्य फिल्म मेकर्स ये भी बताएंगे कि ये फिल्म्स खास क्यों हैं, इन्होंने हमारे जीवन पर कैसे असर डाला है और इन्हें संजोना क्यों जरूरी है। तो अब 9 मई अपने कैलेंडर में आप मार्क कर लीजिए। ये खबर लिखने में मुझे जितना मजा आया, उम्मीद करती हूँ आपको सुनकर भी आया हो और ये जानकारी लेने के बाद आप खुश भी हुए हो। कैमरा के पीछे है जेरी, मेरा नाम है आस्था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा, और हमारे चैनल लल्लन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।